कक्कड़ नागपुर स्ट्राइकर्स के ओपनिंग बल्लेबाज मयूर अरोरा और मोनिश बहल आ चुके हैं। और यहाँ पे बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं उदित गंगवानी। उदित की पहली गेंद मयूर को, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कैच छूटी और दो रन लेने में भी कामयाब। उदित की अगली गेंद अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी, अंपायर ने नॉट आउट कहा। गोंदिया के लेवर्स जहां कहीं भी हो वीआईपी बॉक्स पे आए, गोंदिया के लेवर्स वीआईपी बॉक्स पे आए। उदित की अगली गेंद नहीं, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 3 बॉल 8 रन। बहुत ही बढ़िया ड्राइव केवल 1 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट और यहाँ पे मिसफील्ड होते हुए। उदित की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया बॉल, कीपर से छूटी, 2 रनों के लिए बल्लेबाज गए। अंपायर का इशारा लेग बाय। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 11 रन
जीरो विकेट के नुकसान पर। एक ओवर का खेल हुआ है, स्कोरर हमें स्कोर कंफर्म करेंगे। राइट आर्म बॉलर इस बीच अगेन बहुत सुंदर तरीके से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मात्र मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का हो चुका है 12 रन। बिगर किसी नुकसान के नागपुर स्ट्राइकर टॉस जीतने के बाद। इस बीच गेंद पर उसे खेला, इस बार गली के तरफ, लेकिन फील्डर बहुत मुस्तैद। चीन की दीवार को लागना आसान हो सकता है, लेकिन फील्डर को भेदना मुश्किल। स्कोर 12। दूसरा ओवर प्रगति में। इस बीच ये गेंद पूरी तरह से बीट हुए, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बैट का भारी किनारा नहीं लिया, वरना खतरा हो सकता था। स्कोर 12। ओवर दूसरा। कम से कम 100 रन का टारगेट देना होगा अगर ये मैच में बना रहना चाहता नागपुर स्ट्राइकर को। इस बीच गेंद और गेंद को खेला, कट हुई गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आए थे। रन आने चाहिए, चाहे बैट के बीच में लगे, कोने से लगे, किसी भी प्रकार से लगे, रन रन होते हैं। और ऐसा ही चौका इस वक्त मिलता हुआ नागपुर स्ट्राइकर्स को। स्कोर बढ़ता हो चुका है 16 रन, 16 विदाउट लॉस इन द वेरी सेकेंड ओवर। इसी बीच गेंद गेंद को फिर खेला है गली की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन धीमे हाथ से खेला था। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ले लिया। स्कोर टीम का बढ़ता हो गया 17 रन, 17। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बीच गेंद गेंद को घुमाने की कोशिश और ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर थी, भाग्यशाली रहे बैट्समैन। स्कोर 17। तो दो ओवर समाप्ति पर स्कोर है 17। नागपुर स्ट्राइकर ने टॉस जीता है। 10-10 ओवर का निर्धारित मैच, पीपीएल 16वां साल, 21-22 पहले दिन 5वां मैच। आगे के हाल के लिए सुने जा। टीम का तीसरा, खुद का दूसरा ओवर लेते लेके आते हुए उदित। और ये पहली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट, कट किया एक रनों के लिए गली की दिशा में। उदित की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट और एक ही रन। अच्छी फील्डिंग सारांश द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज चूक गए और कीपर के हाथों में। एक और बहुत ही अच्छी बॉल और यहाँ पे मिसफील्ड हो सकती थी। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना किया मयूर ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल।
अगर नागपुर स्ट्राइकर्स को इस मैच में बना रहना है तो रनों की गति को बढ़ाना रहेगा। उदित फिर से बॉलिंग करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद, उसने भी उमदा शॉट, बीच में एक रन चुरा लिया। देख लिया अगली गेंद में यूर अरोरा को, बहुत ही बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर्स पे, और यहाँ पे दो रन चुराने की कोशिश और दो रन पूरे भी किए। वहाँ पे गोंदिया के लोग जल्दी से जल्दी वीआईपी बॉक्स पे पहुंचे। गोंदिया वीआईपी बॉक्स पे पहुंचिए। गोंदिया वालों, गोंदिया के दो जने कृपया यहां वीआईपी बॉक्स के पास आए। स्कोर है 22, विकेट को गिराने 3 ओवर। इस बीच गेंद गेंद को बहुत सुंदर तरीके से खेला, उतना ही वहां पर बहुत ही प्यारे तरीके से कैच लेके पहला विकेट झटका कक्कड़ स्टार्स ने। तो 22 रन टोटल स्कोर है, विकेट पहला गिर चुका है, 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द 4th ओवर। 100 रन का कम से कम टारगेट देना चाहिए कक्कड़ स्टार्स को नागपुर स्ट्राइकर ने, लेकिन जैसा कि मैं बताऊं बहुत तेज हवाएं चल रही है, कल बारिश भी गिरी थी, आजू बाजू बहुत जगह ओले भी पड़े थे, 80 रन बनाना भी कठिन है इन परिस्थितियों में। इस बीच गेंद और पर ऐसा खेला है कवर्स की दिशा पर, फील्डर वहां मौजूद, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर टीम का बढ़ता हो गया 23 रन। कोहरा भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आता हुआ, स्कोर 23। इस बीच गेंद गेंद को खेला, इस बार लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा पे, फील्डर वहां मौजूद, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर बढ़ता हो गया है 24। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। एक एक से काम नहीं चलेगा, कुछ चौके छक्कों की बौछार लगानी होगी। इस बीच गेंद और इसे उठा के खेला है बहुत सुंदर तरीके से, 1 बाउंस बाउंड्री, अच्छा चौका। मेरी आवाज शायद कानों तक पहुंची कि एक दो से काम नहीं चलेगा। स्कोर बढ़ता हो गया 28 फॉर 1 विकेट इन द वेरी 4th ओवर। इस बीच गेंद गेंद को मोड़ दिया, प्यार से खेल दिया स्क्वायर लेग रीजन में, और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने ले लिया। स्कोर बढ़ता हो गया 29 फॉर 1 विकेट। करीब करीब 7 रन प्रति ओवर के औसत से, 7.5 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करता हुआ नागपुर स्ट्राइकर। इस बीच गेंद से फिर खेला है बहुत सुंदर तरीके से एक्स्ट्रा कवर रीजन पे, फील्डर वहां मौजूद, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर 30 में आता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4th ओवर की समाप्ति पर। तो 4 ओवर 30 रन 1 विकेट नागपुर स्ट्राइकर का यह स्कोर है टॉस जीतने के बाद। अब आखिरी के 6 ओवर में क्या सेटअप करते हैं, क्या रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, कितने चौके छक्कों की बौछार लगाते हैं, क्या 36 गेंदों में 72 रन और बना पाती है नागपुर स्ट्राइकर की नहीं, देखना दिलचस्प होगा
इससे आगे ले जाने के लिए सुने जा। खुद का दूसरा और टीम का पांच और लेके आते हुए गेंदबाज, और ये पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट एक ही रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कक्कड़ स्टार्स द्वारा। और यहाँ पे अगली गेंद कवर्स की ओर खेला, गली की ओर एक रनों के लिए। तीसरी गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट स्ट्रेट की ओर एक रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट चार रनों के लिए। अगर नागपुर स्ट्राइकर्स को इस मैच में बढ़ने रहना है तो ऐसे शॉट मारने पड़ेंगे। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट स्ट्रेट में, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विपिन द्वारा। अपनी टीम के लिए तीन रन बचे। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेंथ की बॉल, बल्लेबाज मारने में चूक गए। अगले ओवर की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट स्ट्रेट में मारा, फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग विपिन द्वारा, एक ही रन दिया। अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट एक रनों के लिए। और यहाँ पे तीसरी गेंद बहुत बढ़िया शॉट चार रनों के लिए। मयूर अरोरा का बल्ला आग उगलते हुए। अगली गेंद लेके आते हुए गेंदबाज, ऑफ स्टंप गए काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल।
और बहुत ही बढ़िया शॉट एक रनों के लिए। अगली गेंद गेंदबाज द्वारा इसी बीच फुल टॉस मार अंपायर का इशारा नो बॉल फ्री हिट। नागपुर स्ट्राइकर्स को फ्री हिट का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया शॉट मिस फील्ड होते हुए यहाँ लेकिन अच्छा बैकअप सारंश द्वारा एक ही रन। बहुत ही उम्दा शॉट फील्डर मौजूद एक ही रन। बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। रन बढ़ता हुआ स्कोर 6 ओवर 50 रन। और यहाँ पे अगले ओवर की पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद उससे भी बढ़िया शॉट और एक ही रन। अगली गेंद गेंदबाज की और ये मिस फील्ड और ये हम क्या देख रहे हैं गेंद चौके के लिए जा रही है मिस फील्ड से 4 रन। तीसरी गेंद इस ओवर की गेंदबाज विपिन तैयार और ये तीसरी गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट और सारांश द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग एक ही रन मिल पाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंद चारों खाने चित बल्लेबाज लेकिन यहाँ ओवर थ्रो के कारण एक रन चुराने में सक्षम हुए बल्लेबाज। और ये बहुत ही उम्दा कैच गली पे मयूर अरोरा आउट होते हुए बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने लेकिन आउट हो गए। विपिन की अगली बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल बल्लेबाज चारों खाने चेत।
और स्ट्राइकर्स की धुआंधार बल्लेबाजी के कारण अब कक्कड़ स्टार्स को अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट, रन नहीं मिले। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन चार रन, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट बल्लेबाज द्वारा, शॉट और छह रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नागपुर स्ट्राइकर्स, बन चुके हैं यहाँ पे, बढ़ता हुआ स्कोर 67। रन, 7 ओवर 3 गेंद। और यहाँ पे गेंद चेक करते हुए, ओए मैं भी हूँ, अंपायर से निवेदन है कृपया मैच की गति को बनाए रखे। लेग स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा, वाइड प्लस 4 रन। यहाँ पे एक और वाइड बॉल, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आता हुआ, गोंदिया का मालिक कमेंट्री बॉक्स के पास आए, विकू जी कमेंट्री बॉक्स के पास आए, विकू जी गोंदिया वाले, विकू जी कमेंट्री बॉक्स के पास आओ। दिया जाए एम्पायर को,
पे बल्लेबाज का खराब शॉट फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया बॉल, बल्लेबाज चारों खाने निश्चित। बहुत ही बढ़िया शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन। एक और बॉल दिया जाए अंपायर को। बॉल मिलेगा मिलेगा, बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। एक और बहुत बढ़िया शॉट 4 रनों के लिए, बल्लेबाज का बल्ला आग उबल रहा है, आग। बहुत ही बढ़िया बल्ला, बहुत बढ़िया शॉट, बॉल खड़ी हो गई है, सारांश नीचे, बहुत बढ़िया कैच, अनबिलीवेबल। ऐसे कैच को बहुत कम खिलाड़ी पकड़ पाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी होते हुए। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। हेलो हेलो, गेंदबाज की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल, यॉर्कर रन लेंथ पे रखा, 1 ही रन।
एक प्लेयर जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स पे भेजिए। बैटिंग टीम अपना एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पे भेजो। बैटिंग टीम अपना एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पे भेजिए जल्द से जल्द। नागपुर स्ट्राइकर्स अपना एक प्लेयर जल्दी भेजिए। बैटिंग टीम अपना प्लेयर इशारा आउट। बहुत ही बड़ी विकेट गिरी। नागपुर स्ट्राइकर्स को बहुत बड़ा झटका लगते हुए कक्कड़ स्टार्स खुश। नए बल्लेबाज जयेश क्या जयेश अपनी टीम का जय जय करवा पाएंगे। यहाँ पे अच्छी हवाएं चलते हुए और गेंदबाज अपनी बॉल डालते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा। नो ओवर एक बॉल नागपुर स्ट्राइकर्स 87/5 विकेट्स। बहुत ही बढ़िया गेंद बल्लेबाज चारों चित। अंपायर से अनुरोध है मैच की गति बनाए रखे। बहुत बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए और ये नो बॉल फ्री हिट और 6 रन भी। बढ़ता हुआ स्कोर 9/4 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अंपायर को बॉल दिया जाए अंपायर को बॉल दिया जाए। बढ़ता हुआ स्कोर 95 और ये एक और बहुत बेहतरीन शॉट 2 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 9/4 97 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट। अंपायर का इशारा फर्स्ट बाउंस। रन बहुत ही बढ़िया शॉट फील्डर सारांश मौजूद 1 रनों के लिए। यहाँ पे ओवरथ्रो लेकिन अच्छा बैकअप किया दूसरे फील्डर ने। 9/5 98 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। क्या नागपुर स्ट्राइकर्स की 100 हो पाएगी? क्या आखिरी बॉल में छक्का लगेगा? बहुत ही बढ़िया गेंद और गेंद खड़ी हो गई और कैच ड्रॉप और 2 रन। और यहां पे नागपुर स्ट्राइकर्स ने 99 रन बना लिए और कक्कड़ स्टार्स को जीतना हो तो 10 ओवर में 100 रन बनाने होंगे।
अपने नाम करना है। अंपायर जल्दी से जल्दी मैच की गति को बढ़ाए। नागपुर स्ट्राइकर्स अपने फील्डर अपनी टीम को फील्ड में जल्दी से जल्दी लाए। बच्चों पिच को खाली करो। हेलो, दोनों टीम से निवेदन है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें 8:30 बजे ग्राउंड खाली करना है। प्लीज जल्द से जल्द कर लीजिए। साढ़े 8 बजे हमें यहां ग्राउंड खाली करना है राकेश जी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। जो डिनर भी करना है वो कृपया अभी कर लीजिए। विश्वास भैया डिनर्स भी अभी करवा दीजिए। 8:30 पौने 9 ग्राउंड खाली करना है बिल्कुल। हाँ, सभी के लिए डिनर की व्यवस्था लग चुकी है। जो डिनर लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। हम यहाँ 8:45 9 बजे लाइटें बंद कर देंगे। कृपया करके हमारा निवेदन है कि हमें यह टूर्नामेंट 4 दिन और चलानी है, तो सिर्फ आखिरी के 22 प्लेयर ही मैदान में रहेंगे। जल्द से जल्द मैच चालू कराएं अंपायर, मैच की गति बनाए रखे। कक्कड़ स्टार्स का कोई एक प्लेयर आके अपनी बैटिंग की बॉल चूज करे। दोनों टीम अपने एक एक प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स पे भेजे। स्कोरिंग कक्कड़ स्टार्स अपना एक प्लेयर जल्दी से भेजो। कक्कड़ स्टार्स अपना एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पे भेजिए। स्कोर बदल करने के लिए अपना एक प्लेयर यहाँ भेजिए। कक्कड़ स्टार्स अपना एक प्लेयर यहाँ कमेंट्री बॉक्स पे भेजिए। और स्ट्राइक पे हमारे मंजू बल्लेबाज पुनीत और नॉन स्ट्राइक पे गौरव। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आए रोहन। टीम का और खुद का पहला ओवर लेके आए हैं रोहन। स्ट्राइक पे बुनीत जो लंबे शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं पुनीत। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हवाएं चलती हुई हमारे पीपीएल सीजन 16 में। अंपायर से अनुरोध है मैच की गति को बनाए रखें। अंपायर मैच की गति बनाए रखें। रोहन की पहली गेंद पुनीत को। और लेग स्टंप के काफी बाहर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कक्कड़ स्टार्स को 100 रनों की आवश्यकता 10 ओवर में।
10 रन पर ओवर। बहुत ही बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट, फाइन लेग की ओर प्लेस कर दिया एक रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर, एक गेंद दो रन। कप्तान फील्डिंग लगाते हुए, और यहाँ रोहन की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी, अंपायर ने अपील को नकारा। बढ़ता हुआ स्कोर, दो बॉल दो रन, गौरव स्ट्राइक पे। और यहां पे कैच मिस, क्या ये हो सकता है? कैच छोड़ी, मैच छोड़ी। और एक और बार कैच छोड़ी, दो दो जीवन दान। क्या आप गौरव कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? क्या बड़ा लक्ष्य बना पाएंगे, बड़ा अच्छे रन बना पाएंगे? चार गेंद दो रन, बढ़ता हूँ स्कोर। रोहित जी जुनेजा कमेंट्री बॉक्स के पास आए, और ये बहुत ही बढ़िया, चार रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। बढ़ता हुआ स्कोर, पांच बॉल छह रन। गोंदिया जल्दी जाइए, पांच गेंदे छह रन। रोहित जी जुनेजा कमेंट्री बॉक्स पे आए, रोहन की आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, चार रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर, एक ओवर दस रन। गौरव को जीवन दान अच्छे मिले। अब क्या नागपुर स्ट्राइकर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? दूसरा ओवर मोनिश लेके अपनी टीम के लिए, टीम का दूसरा, खुद का पहला ओवर लेके आते हुए मोनिश, क्या ये साझेदारी को तोड़ने में सक्षम रहेंगे? अगर नागपुर स्ट्राइकर्स को ये मैच जीतना है तो उन्हें गौरव को रोकना पड़ेगा। पहली गेंद मोनिश की ओर, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर, एक ओवर एक बॉल 11 रन। गौरव स्ट्राइक पे, दूसरी गेंद मोनिश की, बहुत ही बढ़िया शॉट, चार रनों के लिए। अंपायर का इशारा, चार रन। बढ़ता हुआ स्कोर, दो एक ओवर दो बॉल 15 रन। हेलो हेलो, इसी के साथ विकेट गिरता हुआ पहला
गौरव के रूप में। अगले बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज आते हुए खुश पावा। सुधीर जी पुनियानी ग्राउंड पे आइए, सुधीर जी पुनियानी कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए, सुधीर जी पुनियानी, पुष्प जी पुनियानी। और ये घुमा के आ रहा है, फील्डर मौजूद, और ये बहुत ही बेहतरीन सा कैच, एक और विकेट का पतन। हेलो, अगले बल्लेबाज सारांश। और या सुधीर जी पुनियानी हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए।
रोहन बहुत ही शानदार गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान दिया गेंद को। अगले गेंदबाज मयूर अरोरा। तीन ओवर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मयूर की पहली गेंद का सामना करेंगे सारांश। बहुत ही शानदार गेंद, लेग ऑफ में मारे, फील्डर मौजूद, इसी बीच एक रन चुरा लिया है। अगली गेंद सामना करेंगे तेजस। बहुत ही शानदार गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, इसी बीच एक रन चुरा लिया है, फील्डर मौजूद। अगली गेंद बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर भागते हुए पकड़े पर एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। अगली गेंद तीन ओवर तीन बॉल 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बहुत ही शानदार गेंद, अच्छा शॉट था, दो रन एक रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल।
अगली गेंद। बहुत ही शानदार शॉट, गेंद हवा में मिसफील्ड हुआ, कैच छूटी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां दिखता हुआ मयूर द्वारा। चार ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज, अगले गेंदबाज प्रीतम खुंगर। बहुत ही शानदार गेंद, गेंद हवा में और बहुत ही शानदार कैच। बहुत ही शानदार गेंद, फिर गेंद हवा में, एक और शानदार कैच पीके द्वारा। पीपीएल 2021 में आप सभी पधारे हुए महानुभाव का हार्दिक स्वागत है और पीपीएल सीजन 16 का ये अंतिम मुकाबला। पीपीएल सीजन 16 का पहला दिन और अंतिम मुकाबला पहले दिन का नागपुर स्ट्राइकर्स और कक्कड़ और बहुत ही शानदार गैप में निकाला हुआ चार रन के लिए और एक शानदार चार रन के लिए चौका गैप में निकाले हुए चार रन। और प्रेशर बढ़ता हुआ बॉलिंग टीम में। पांच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
और बॉलिंग की कमान संभालने आए हमारे वरुण शर्मा जी। उनतीस बॉल में 59 रन की आवश्यकता और बहुत ही शानदार बॉल और अगला बॉल डालने के लिए तैयार वरुण शर्मा। शानदार एक रन और एक सिंगल, बहुत अच्छी फील्ड। और उठा के मारा लेकिन एक रन। पीके प्रीतम खुंगर द्वारा बहुत अच्छी फील्ड। और अंपायर द्वारा वाइट का इशारा और एक्स्ट्रा के खाते में रन बढ़ते हुए और बहुत ही अच्छी गेंद और मिसफील्ड। छह ओवर की समाप्ति के बाद 46 विद द लॉस ऑफ 7 विकेट। चार ओवर में 24 बॉल में 54 रन की आवश्यकता और ये वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और चार रन एक्स्ट्रा के खाते में रन जाते हुए। और एक और वाइड गेंद एक्स्ट्रा के खाते में रन बढ़ते हुए। इसी तरीके से यदि एक्स्ट्रा रन जाते गए तो बॉलिंग टीम का जीतना असंभव। और ये सिंगल रन और ये रन आउट का चांस लेकिन मिस कर गए। और बॉलिंग टीम में लगातार प्रेशर बढ़ते हुए बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं हमारे मिक्की अरोरा जी और काफी प्रेशर बढ़ता हुआ और लंबा शॉट उठाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब बैट्समैन। और अपने पवेलियन की ओर लौटते हुए
और एक और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा रन देते गए अगर तो जीतना बॉलिंग टीम के लिए असंभव हो जाएगा। एक और गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और मिक्की अरोरा के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ। एक और वाइड, लगातार तीन गेंद वाइड मिक्की अरोरा द्वारा। और ये फुल टॉस गेंद गैप में मारा लेकिन एक रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, बैट्समैन नाकामयाब। और एक और शानदार गेंद, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मिक्की अरोरा, काफी गेंद वाइड डालने के बाद काफी अच्छा प्रदर्शन की कोशिश। सात ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और ये शानदार अपील और अंपायर द्वारा आउट का इशारा। बहुत अच्छा प्रदर्शन, 9 विकेट। और एक विकेट शेष और बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ। और एक विकेट बची है सिर्फ, 17 बॉल। और एक रन की कोशिश, 16 बॉल शेष, 42 रन की आवश्यकता। और बहुत ही अच्छी गेंद, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज की टीम, बॉलिंग टीम। और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। और वाइड
22 का इशारा अंपायर द्वारा, 4 रन चौका। एक विकेट शेष। और यहां पर बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा गेंद का प्रदर्शन। और सभी महानुभाव से निवेदन है, भोजन लंगर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की गई है पंजाबी द्वारा, पंजाबी समाज द्वारा। आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि भोजन का लुफ्त अवश्य उठाए। और काफी प्रेशर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम पर। और यहां पे बहुत शानदार गेंद और उतना ही शानदार 4 रन के लिए चौका। लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम पर। और ये टीम मैच जीतते हुए नागपुर स्ट्राइकर्स ने मैच अपने नाम कर लिया है और काफी उत्साह पूरे ग्राउंड पर। सभी खिलाड़ियों से नम्र निवेदन है और सभी ऑडियंस से निवेदन है कि भोजन का लुफ्त अवश्य उठाएं। भोजन की व्यवस्था की गई है,